फाल्गुनी पाठक है ना, अगर कांग्रेस से खड़ी होती ना, कांग्रेस जीत जाती जीत जाती। उसको सिर्फ इतना करना था, वहां पोलिंग बूथ है, ए हेलो हेलो, इतिहास गवाह है, फाल्गुनी ने जब जब हालो हालो बोला है ना, किसी ने उसको नहीं पूछा किधर। माय नेम इज रोहन चावड़ा गाइस, एंड रिसेंटली वन गर्ल गेव मी अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट। शी टोल्ड मी यू डोंट लुक लाइक गुजराती। आई सेड आई लव यू टू। नो आई सेड थैंक यू सो मच। भाई बहुत मेहनत लगता है एक गुज्जू को गुज्जू ना दिखने में। भाई बलिदान देने पड़ते हैं, दोस्तों के साथ नॉनवेज खाना पड़ता है घर वालों से छुपा कर, बाप का बिजनेस छोड़कर स्टैंड अप करना पड़ता है, पब्लिक से झूठ बोलना बंद करना पड़ता है ऑन माइक, अनलेस यू आर अ पॉलिटिशियन। नो बट आई टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स टू लुक एज लेस गुज्जू एज पॉसिबल, क्योंकि आजकल सर गुजराती लोग जो हरकत कर रहे हैं ना, देश चलाना, जोक सुनाना, बहुत जल्दी तुम ही लोग हमको ढूंढ ढूंढ के मारोगे। नो बट सी जनरली पीपल टेक इंग्लिश, स्पैनिश, जर्मन क्लासेस फॉर करियर। आई टुक मराठी स्पीकिंग क्लासेस। यू ऑल लुक वेरी रिच, तुमको आइडिया नहीं होगा बट बॉम्बे में आजकल करियर से ज्यादा जीना जरूरी है। मैं तो साइन भी दो भाषा में करता हूं, अंगूठा और मराठी। ये दोनों लोग बहुत डिमांड में है, तुम लोग को आइडिया नहीं रहेगा। तुम सेल्फ डिफेंस के लिए सर मार्शल आर्ट सीखते हो, मैं मराठी सीखा फॉर सेल्फ डिफेंस, क्योंकि गुजराती तो मैं है ही। बट आई वॉन्टेड टू बी गुजराती प्लस। यू नो व्हाट इज गुजराती प्लस? किसी भी चीज में तुम प्लस लगाओ ना, सारा ऑटोमेटिक सुरक्षा कवच आ जाता है उसमें। डेटॉल डेटॉल प्लस, लाइफ बॉय प्लस, गुजराती प्लस, मराठी गुजराती प्लस, सेफ्टी। रिपोर्ट कार्ड में ए आएगा ना सर, बाप मारेगा और माँ को बोलेगा सुनती हो तुम पर गया है, ए प्लस आएगा ना, वही सगा बाप चिल्ला कर बोलेगा बेटा किसका है, माँ बोलेगी इतना पुराना चीज याद नहीं है मेरे को। बट सी वी गुजराती नो वी आर ऑब्सेस्ड विथ थ्री थिंग्स, ऑब्सेस्ड, फर्स्ट फूड, सेकेंड मनी, राइट सर, थर्ड बहुत इजी है, अरे बेस्ट बेस्ट। तू मुस्लिम है क्या? मुस्लिम है तू? गुजराती है? वो मोदी 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 बेस्ट, नहीं बोलते तो भी चलता, ऑब्वियस है ना। देयर इज अ फोर्थ हिडन जेम, फाल्गुनी पाठक के गाने फॉर गुज्जू इज लाइक झिंगाट फॉर महाराष्ट्रंस, पाइजे मंजे पाइजे। फाल्गुनी पाठक इज द मडोना ऑफ इंडिया। ये वाला जोक पहले करना चाहिए ना, मडोना। बट है ना वो, सी फाल्गुनी के गाने इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, गुजराती लोग उसके गाने पे बसते। मैडम अभी तक मडोना पी है। बट वी गुजराती आर ऑब्सेस्ड विद फाल्गुनी पाठक, ऑब्सेस्ड। हमको हमारे हर फंक्शन में फाल्गुनी चाहिए ही चाहिए, शादी में दुल्हन हो ना हो फाल्गुनी चाहिए। साहब दुल्हन केटरिंग वाले के साथ भाग गई, सो क्यों उसका अरेंज मैरिज था, फाल्गुनी पे नजर रख। फाल्गुनी के बगैर तुम मेहंदी संगीत हल्दी कर ही नहीं सकता है, यहां तक कि हमने उसको फ्यूनरल पे भी बुलाना स्टार्ट कर दिया। यहां डेड बॉडी पड़ी है, चाची आ भी गई, शी इज वेरी काइंड हार्टेड। इनके मैक्सिमम गानों का मतलब होता है चलो माता ने बुलाया है। वी आर लाइक हाँ बहन ये वही गया है, चलो क्या चलो पिकनिक है, हमको जब पर्सनल बुलावा आएगा तब हम जाएंगे, आज तो नहीं जा रहे। एंड मेरे को बे
बेस्ट ऑडियंस मिला, पहले पेट भर के हंस लेता है फिर एक डकार लेता है। बेस्ट लोग है तुम लोग। ओह माय गॉड। सी फाल्गुनी पाठक है ना, अगर कांग्रेस से खड़ी होती ना, कांग्रेस जीत जाती। जीत जाती। उसको सिर्फ इतना करना था, वहां पोलिंग बूथ है, ए हेलो हेलो, इतिहास गवाह है, फाल्गुनी ने जब जब हेलो हेलो बोला है ना, किसी ने उसको नहीं पूछा किधर। कभी पूछा उसको? उसको किसी ने नहीं पूछा है। लोग चले जाते हैं, हाँ ठीक है, आधा इंडिया ज़ॉम्बी बन जाता है। आई डोंट नो, वो रोड पे अगर चिल्ला के ना हेलो हेलो, 50 रिक्शा वाले आ जाएंगे, हाँ चलो मैडम तुम चिल्ला, बड़ा गैस नहीं है क्या है उस मैडम, मेरे को समझ में नहीं आता यार, बहुत स्ट्रांग है वो, है ना। और लिख लो, अगर कांग्रेस को बीजेपी के सामने जीतना है ना, अभी एक ही रास्ता है उनके पास, राहुल गांधी को फाल्गुनी से शादी करना पड़ेगा। सीरियसली, पर सरनेम राहुल गांधी को बदलना पड़ेगा टू राहुल पाठक। हाँ, नहीं तो यही एक आशा की आखिरी फाल्गुनी इनके पास, और कोई किरण नहीं है, ये एक ही है। और देखो, पॉलिटिशियन है ना, अपने पैसे और पावर के दम पे हर धर्म वाले को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। फाल्गुनी के गाने पर हर धर्म वाला पैसा देकर नाचने आता है, है कि नहीं ब्रो? फिर भाई बैंड करना चाहिए फाल्गुनी पाठक को, ये बड़ा डिप्रेस हो गया भाई। बोलता एक ही तो फन है यार गरबा, तू वो भी फन करवा रहा है। भाई हेलोवीन में क्या करते लोग, भूत का गेटअप लेते हैं फिर एंजॉय करने जाते। नवरात्रि हम गुजरातियों का हेलोवीन है 9 दिन का, हम पहले तैयार होकर निकलते हैं फिर 9 दिन के बाद भूत बनते हैं, हम लोग का स्टाइल है। नो सो मैं जिस ऑफिस में काम करता था ना सर, वहां पर ऑफिस के बाद है ना मीटिंग होती थी कि गरबे में हमको क्या पहनना है, क्या स्टेप्स करने हैं, फर्स्ट प्राइस किसके अकाउंट में जाएगा, और स्टेप्स इतने डिफिकल्ट करेंगे ना, शशि थरूर के इंग्लिश से भी डिफिकल्ट स्टेप। मैं बोला इतना डिफिकल्ट स्टेप क्यों कर रहे हो? बोलता अपना स्टेप कोई कॉपी नहीं करना चाहिए। मैं बोला आइटम लोग अपने को भी तो ये स्टेप करना है ना। मैं गुजराती है पर मेरे को नाचने को नहीं आता है। और ऑफिस में ना तो ये लोग एक्सेल का फॉर्मूला सीखा 10 बार, याद नहीं रहेगा। गरबा ऐसा सीखते। और हर ग्रुप में है ना साला एक लड़का 1.5 होता है, 1.5। अच्छा तुम्हारे ग्रुप में ये है क्या? 3 जन उसके पीठ थपथपा, ये वाला, ये। अरे बड़ा प्यारा लड़का है बे। वो हंस रहे, बता अच्छा जोक है। हर ग्रुप में ना एक 1.5 होता है, ठीक है? ये साला ना गरबे के दिन स्टेप बदल देगा। तू ये क्या, वो आइटम 1.5 स्टेप बदल देगा बे। मैं साला 24 घंटा मेरे को मिनिमम लगता है एक स्टेप सीखने के लिए। हाँ, मैं पूरा रात जागा भाई ये स्टेप करने के लिए। ये भाई साहब ने ऑन फील्ड इसको 2 लड़की दिखा नहीं ना, ये स्टेप रहेगा ना, ये उसमें ना ये ऐसा ऐसा डाल देगा। मैं बोला साले ये कल तक तो था भी नहीं, अभी मैं अकेला एक दही पूरी के प्लेट में ऐसा सूखा पूरी दिख रहा हूं जिसमें भैया जी दही डालना भूल गए। मेरे ग्रुप के 9 जने ना सर सेम स्टेप नाच रहे। हाँ, और मैं गजनी का आमिर खान बनके घूम रहा हूं। अरे ये कभी किया सालो? मेरे ग्रुप की वजह से, मेरे वजह से मेरे ग्रुप को फर्स्ट प्राइज नहीं मिला। 9 में से 8 लोग ने मेरे को गुजराती में गाली दी, वो 8 गुजराती थे भी नहीं। उसमें से 3 की गाली मेरे को समझ नहीं आई ना, हाई फाई।
वो तीन गाली मेरे को मार में बोलू क्या? नाइस, टेक योर टाइम मैम, इट्स ओके, यू आर इंपॉर्टेंट. आई डोंट नो इफ यू ऑल हैव नोटिस्ड कि गरबा पंडाल में जैसा ग्रुप एंटर करता है ना गरबा खेलने के लिए, ये लोग जूता चप्पल निकालते हैं ऑर्केस्ट्रा स्टेज के पास. निकालते ही इनके अंदर का वाड्रा और अडानी जाग उठता है. बोलता आ जगह अपड़ी. उस सर्कल में से कोई भी एक बंदा थोड़ा अंदर, दूर जा दूर जा. और ये गरबा ग्रुप ने हमेशा सर्कल में खेलते, क्यों मालूम है? इनको देखना किसके वजह से अपना फर्स्ट प्राइज अपने को नहीं मिला. तो कभी भी देखो ग्रुप में खेलेंगे. और जैसा तू गरबा खेलने के लिए पंडाल में एंटर किया ना, कभी भी नोटिस करो हमेशा वो गाना यही बजाएगा स्टार्ट में. एक घंटा तुमसे इस धुन पे फोर प्ले करवाएगा. और जब नाच नाच के तुम्हारा शरीर पानी पानी हो जाएगा ना, तुम्हारा कुर्ता ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तुम्हारे शरीर के धोखले थेपले खत्म हो जाएंगे ना, तुम्हारी जांग काफ में, काफ जांग में आ जाएगी ना, तब साले उसके बैंड का एक नालायक ये बजाएगा. डिंग 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 डिंग. गांडू तू एक घंटा पहला नहीं बजा सकता था. जब हम ना धोके तैयार होकर इत्तर वित्तर लगाकर आए थे तब ये नहीं बजा सकता था साले. एक घंटा तक क्यों बजाया? अब इस पर नाचने के लिए मैं कौन सा शिलाजीत ढूंढने जाऊं, कौन सा चमनप्रास चाटने जाऊं, ग्लूकोज बढ़ाने के लिए क्या पीऊं, पतला मलाई वाला नारियल पानी कि जाड़ा मलाई वाला नारियल पानी? यूजलेस लोग. इसके बैंड को अक्कल ही नहीं होता क्या कपर ने? गाने के सीक्वेंसिंग इनको आता ही नहीं है. पर ये पाव पाव किलो की गुज्जू गुड़िया इतना ताकत कहां से लाती है? नॉनवेज तो ये खाती भी नहीं घर पर. छास में पता नहीं कौन सा प्रोटीन पाउडर डाल के पी रही है. इतना हॉर्स पावर कैसा जनरेट कर रही है? भाई हम गुजराती लड़के लोग हैं ना, ऐसे छाती पे हाथ रख के अमारू थई गयू, इससे ज्यादा हम नहीं नाच सकते. लेकिन ये पाव किलो की गुज्जू गुड़िया 15 किलो का घाघरा उठाकर ऐसा गोल घूम के नाचेगी ना, ऐसा गोल जैसे इसी धुन के लिए जिंदा थी. इसके अंदर का है ना दया भाभी और बोंजली का एक साथ एक्टिवेट हो जाती है. भाई वो इतना स्पीड से घूमती है, इतना स्पीड से घूमती है, कैतान वाले उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर रख लिया. एक लड़की तो इतना गोल घूम रही थी ना, उसके घाघरे का डायमीटर कम ही नहीं हो रहा है. ये अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखी है. एक वो जो चाची जो घूम रही थी ना अपने घाघरा घुमा घुमा कर, उसके पैर के नीचे मेरे चप्पल है. मैं लिटरली कबड्डी खेल रहा हूं, मैडम मेरा चप्पल है मैडम मैडम. भाई उसका घाघरा इतना स्पीड घूम रहा था ना, इतना स्पीड घूम रहा था ना, अगर मेरे गले पे एक कट लगता ना, अनप्लैंड सुसाइड हो जाता मेरा. सीरियसली इनको ना बिना मतलब का चक्कर आता है, सनस्ट्रोक होता है.
गर्भ के टाइम पे इनको नाचता दिखेगा ना भाई, तेरे को मूनस्ट्रोक आएगा. और जैसा तैसा है ना, हम लोग खत्म हुआ, गरबा फाइनली खत्म हुआ. चप्पल निकाले थे ईस्ट में कांदिवली, मिलते हैं बोरीवली वेस्ट में. और जैसा तैसा हम निकल रहे थे ना, अचानक से उसके बैंड से ढोल वाला ये अनाउंस करता है, एक लास्ट राउंड डांडिया ना थई जाए. मैं बोला ढोल में डाल तेरा डांडिया. मैं बोला कितना नचाएगा साले, कितना बजाएगा, जा ना घर पे. पर कैशियो वाले का हाथ है ना, गलती से कैशियो पे लग गया, तो ढोल वाले को लगा शायद एक गाना छूट गया. फिर शुरू हो गए. थैंक गॉड पुलिस आ गई. थैंक गॉड पुलिस को देखते उन्होंने गाना बदल दिया बे. टिंग 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 टिंग, झिंगाट बजने लग गए. भाई झिंगाट को भगवान मना ना करे, पुलिस कैसा मना करे. और हम गुजराती लोग हैं ना, सुबह अलार्म पे गरबा कर सकते हैं, तेरे रिंगटोन पे गरबा कर सकते हैं, ट्रेन के अनाउंसमेंट पे गरबा कर सकते हैं. पुडिल स्टेशन बांद्रा, नेक्स्ट स्टेशन बांद्रा, पुडिल स्टेशन वन. हम गुजराती लोग किसी पे भी गरबा कर सकते हैं. ये तो झिंगाट है, कैसा छोड़े. हम लिटरली चप्पल निकाल के जब ऐसे जा रहे थे ना, जैसा बजा ना, अरे फिर शुरू हो गए भाई. और सी फाल्गुनी पाठक ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए इतना मेहनत किया ना, 20 मिनट रखा, खर्चा कर रहे शूटिंग के लिए. फाल्गुनी पाठक मेरे को बहुत पसंद है, शी इज अ दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर. अरे ये जोक नहीं, ये फैक्ट है, सच्ची में है वो, ठीक है ना. बट शी इज अ ट्रू फेमिनिस्ट ट्रैप्ड इन अ फीमेल बॉडी विद नॉट सो फीमेल अपियरेंस बाय चॉइस. फाल्गुनी पाठक का एक ही प्रॉब्लम है, उसको कोई लड़का ही नहीं दे रहा है. और इंडियन माँ पता है ना कैसी होती है, बेटा ये तेरे को अपनी उंगलियों पे नहीं, अपने गानों पर नचवाएगी. इंडियन माए दे ही नहीं रही है बिचारी, ये अपने बैंड के साथ लड़के देखने जा रही है. और जैसा ये जाती थी ना, लड़के वाले जो होते ना, उनकी माँ अपने लड़के को किचन में छुपा देती थी, बोलती थी हमारे लड़के को हमारी माता के लिए छोड़ दो. तो बैंड वाले बोलते फिर मैडम से शादी कौन करेगा, बोलते हमारी बेटी ले जाओ, गरबे की बड़ी शौकीन है. बोलते आपकी बेटी गुजराती दिखती भी नहीं है. बोलते थैंक यू सो मच, वो मराठी स्पीकिंग क्लासेस कर रही है. ग्रुप वाले मान भी गए, बोलते चाची को ले चलते चाची के साथ, वरना राहुल पाठक को जीजा बोलना पड़ेगा. ओह माय गॉड, कोई मेरे को गरबा सिखा सकता है क्या? कैन वी प्ले अ गरबा? हाँ मस्त अरेंजमेंट है भाई, कौन मेरे को गरबा सिखाएगा? तेरी आंखों मेरे को डांस दिख रहा है, मतलब तेरी आंखों मेरे को डांस दिख रहा है, लेकिन तू एक गरबा का स्टेप सिखा सकता है ना मेरे को? हाँ ओ प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर. तो गरबा में एक लड़की चाहिए ना साथ में, प्लीज कैन वी हैव अ गरबा, एक बार के लिए कोई गरबा गाना. सो यू नीड टू टीच अस वन स्टेप, ऐसा जो मैं कर सकूं. हाँ इजी वाला, क्योंकि ये सब कुछ कर लिया ऐसा लग रहा है. हाँ ओके नाइस, दुपट्टा दुपट्टा ओके ओके. मैडम ये जमेगा आपको? Chinmay and for Kiran Pule, ma'am. Kiran Shah. Kiran Shah. She got offended. मेरा full name कुछ नहीं मालूम तेरे को. Kiran Shah. Thank you so much, guys. My name is Rohan Chawda.
जागरण दिया है।